हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप हर्ट हो जाते हो किसी के बिहेवियर की वजह से, किसी के वर्ड्स की वजह से, क्योंकि आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड हो, आपका इमोशन उस इंसान से जुड़ा होता है, या फिर फॉर सम अदर रीज़न आप हर्ट होते रहते हो, आपको हर्ट फील होता है एंड आप होपोनोपोनो करना चाहते हो अपने उस फीलिंग को रिलीज़ करने के लिए। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं हिंदी में बताओ कि अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने के लिए हम कैसे होपोनोपोनो करें। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में हाउ टू डू होपोनोपोनो टू रिलीज़ योर हर्ट फीलिंग, अगर आप हर्ट फील होते हो। लेट्स स्टार्ट। यू कैन रिलैक्स योर माइंड बॉडी, यू कैन सिट डाउन, यू कैन जस्ट कीप योर हैंड्स ऑन योर हार्ट, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ। वन मोर टाइम, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ एंड जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड रिपीट विद मी। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ जब भी मैं हर्ट फील करती हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ मेरे हर्ट फीलिंग के लिए, और मेरे हर्ट फीलिंग के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम सॉरी यूनिवर्स कि मैंने यह हर्ट फीलिंग क्रिएट किया है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस हर्ट फीलिंग। थैंक यू यूनिवर्स ये हर्ट फीलिंग मुझे देने के लिए। इस हर्ट फीलिंग के वजह से मैं खुद को अभी हील कर रही हूँ एंड ये मेरा क्रिएशन है। सो आई लव दिस हर्ट फीलिंग। मैं अपना ये हर्ट फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि ये मेरा ही पार्ट है, मेरा ही क्रिएशन है। सो मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ जो भी हर्ट फीलिंग मेरे अंदर मैंने क्रिएट किया है। कोई भी इंसान मेरे हर्ट फीलिंग के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैंने खुद ने ये हर्ट फीलिंग क्रिएट किया है। सो आई एम सॉरी कि मैंने ये हर्ट फीलिंग क्रिएट किया है, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने ही क्रिएट किया ये हर्ट फीलिंग, बट थैंक यू ये हर्ट फीलिंग मेरे लाइफ में आने के लिए। मैं आज इस हर्ट फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ पूरे प्यार के साथ। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी माय डियर हर्ट फीलिंग, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू डियर इमोशन, आई लव यू डियर इमोशन। मैं आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि आप मेरा ही क्रिएशन हो, मैं आपको कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नाउ इमेजिन दैट आपके अंदर जितना भी हर्ट फीलिंग है, जिसके वजह से भी है, वो सारा आपके बॉडी से निकल रहा है। टेक ए डीप ब्रीथ और उसको रिलीज कीजिए। आप फील करो कि आपका हर्ट फीलिंग निकल रहा है क्योंकि आपने अभी रियलाइज किया है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके हर्ट फीलिंग के लिए, आपने खुद ने ये हर्ट फीलिंग क्रिएट किया है। अगर उस इंसान की जगह कोई और भी आता है और सेम बिहेवियर करता है, तब भी हर्ट फील होते हो, तो इसका मतलब है कि हर्ट होना आपका एक पैटर्न है, हैबिट है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद ही अपने इमोशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टेक ए डीप ब्रीथ, आप वो हर्ट फीलिंग को रिलीज करो, फील करो एंड यू कैन ओपन योर आइज एंड जस्ट रिलैक्स होना है। आप ये प्रोसेस फिर से कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो जब तक आपको रिलैक्स फील नहीं होता है। बट रिमेंबर, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके हर्ट होने के लिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हम जब भी हर्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे होपोनोपोनो करना है और तब तक करना है जब तक आप रिलैक्स नहीं हो जाते हो। और अगर आपको अच्छा फील होता है, प्लीज़ अपना रिजल्ट शेयर करो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, आई वुड लव इट। ओके, तो ऐसे आप अपने कोई भी इमोशन रिलीज कर सकते हो हिंदी में, आप पूरे फीलिंग के साथ करो उसको। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। जब भी आप हर्ट फील होगे, आप ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर वो भी ऐसे इमोशंस को फेस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।